नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों यहां पर बात करेंगे DHFL यानी कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की। आज से मंडे या 14 जून, आज से इसमें ट्रेडिंग बंद हो गई, यानी जितने भी रिटेल निवेशक थे सबके पैसे क्या डूब गए, क्या मिट्टी हो गया, ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको मुझे पता है आज आप उठे हो और मार्केट खुलेगा, खुलते ही आप अपने शेयर्स को बेचने की कोशिश करोगे बट वो बिकेगा नहीं, नया शेयर कोई बाइंग करने की कोशिश करेगा बट बाइंग नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ यार कि जब भी आप किसी शेयर में निवेश करते हो उसका अगला पिछला सारा कुछ देख लो। जो कंपनी इतने ऊपर के लेवल से, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, गिरती हुई आ रही है, इट मीन इसमें कोई ना कोई दिक्कत तो था ना। 690 रुपये के लेवल से लगातार गिरते हुए 16 रुपये के आसपास कंपनी जा पहुंची, बल्कि और भी नीचे गई थी, 7 रुपये के आसपास पहुंच गई थी। तो कोई तो रीज़न रहा होगा ना, फिर भी इसमें लोग बड़े बड़े क्वांटिटीज़ ले लिए। मैं हमेशा कहता हूँ यार, जो कोई रिस्की स्टॉक्स है ना, जिसके ऊपर तलवार लटक रही है, और ये आज नहीं 4-5 महीना पहले से ही हमें पता था कि इस पे इसकी डीलिस्टिंग हो सकती है, इसमें डीलिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि पिरामल ग्रुप और भी इसको बेचने की बातें चल रही हैं, कंपनी को इधर उधर करने की बातें चल रही हैं, कंपनी का शेयर वैल्यू जीरो करने की बातें चल रही हैं, तो डीलिस्टिंग का प्रोसेस हो सकता था। तो यहाँ पे फाइनली वो न्यूज़ आ गया है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए, शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर, DHFL के शेयरों में आज से नहीं होगी ट्रेडिंग, जानिए वजह। तो आपको इस आर्टिकल में भी मैं दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं अपना व्यू भी बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। DHFL ट्रेडिंग सस्पेंडेड, अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो ध्यान दें, दिवालिया हो चुकी कंपनी, देखिए यहाँ पर दिवालिया हो चुकी कंपनी, दिवालिया हो चुकी कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कॉरपोरेशन जो है, वो आज से उसमें शेयर में ट्रेडिंग बंद कर दी गई है। देश के दोनों बड़े एक्सचेंजेस जो है NSE और BSE, दोनों ने भैया अलग अलग सर्कुलर जारी करके DHFL के शेयरों की ट्रेडिंग जो है वो आज से बंद करवा दी, राइट। अभी नीचे थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैं आऊँगा, DHFL के शेयरों की जो क्लोजिंग प्राइस आएगी वो 11 जून को जब क्लोज हुआ था शेयर, 11 जून का ही माना जाएगा। और DHFL में ट्रेडिंग बंद होने का मतलब निवेशक जिनके पास शेयर हैं इससे वो ना ही बेच पाएंगे और ना ही नए शेयर खरीदे जा सकेंगे, राइट। अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कितने शेयर हैं, कितने पैसे डूबे हैं, हम रिटेल इन्वेस्टर्स को कैसा झटका लगता है वो भी अब दिखा। अभी जब तक नए शेयर्स, नई रेजुलेशन नहीं आ रहे, नए शेयर्स नहीं अलॉट किए जा रहे, हम तो यही समझेंगे ना हमारा शेयर डूब गया। तो अभी दिखाता हूँ आपको, DHFL ने 8 जून को एक्सचेंज और कंपनी में, यहाँ पर देखिए NCLT की ओर से रेजुलेशन प्लान की मंजूरी के बारे में बताया था, जो कंपनी के इक्विटी शेयर की डीलिस्टिंग के बारे में कहता है। NCLT की ओर से मंजूर किया गया रेजुलेशन प्लान DHFL के लिए पिरामल ग्रुप की एक सफल बोली है, यहाँ पर पिरामल ग्रुप जो खरीद रहे हैं इनको उनके लिए एक सफल बोली है। और यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है जिसमें DHFL शेयरों की वैल्यू की परिकल्पना जीरो की गई है, इसके बावजूद स्टॉक ट्रेडिंग में इसके बावजूद भी स्टॉक में ट्रेडिंग की इजाज़त दी गई, देखिए। चलिए ये तो हो गया, अब हमें समझ में आ गया। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे कि कोई बात नहीं, अभी डीलिस्ट हुआ है, कल को रीलिस्ट होगा। भैया रीलिस्ट जब होता है ना वो नई वैल्यूज़ के साथ, नए रेशोस के साथ रीलिस्ट होता है, ऐसा नहीं है कि आपके जितने शेयर है उतने शेयर मिल जाएंगे। जैसे रुचि सोया, जैसे मैं बात करूँ आलोक की, मैं बात करूँ और कितने सारे शेयर्स हुए हैं यार, ऑर्चिड फार्मा है ना, तो कितने सारे शेयर, उसका भी कुछ इस तरह का ही हाल होगा, जो पुराने निवेशक हैं उनको लॉलीपॉप हाथ में पकड़ाया जाएगा, कुछ ऐसा ही होगा। फिर भी मैं यहाँ पर देखता हूँ कितने पैसे डूबे हैं, मार्केट कैप 524 करोड़ का, ठीक है। और यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा, सीधा मैं ऐसे करता हूँ, तो साफ ही दिख रहा था बैलेंस शीट पे, देखिए कर्जा भरा हुआ था, साफ ही दिख रहा था कि कंपनी जो है वो दिवालिया हो सकती है, हो गई है। और यहाँ पर अगर देखें तो मैं सीधा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आऊँगा, ये देखिए पब्लिक का नाम, पब्लिक के पास कितना है, 55%, पब्लिक लगातार बढ़ाई है, 2018 में 31, 34, फिर 38 हुआ, फिर 45, 47, 50, 54, 54, 45, फिर 54, 87, फिर 54, 87, फिर 55, 42, 55.42% पब्लिक के पास है।
अगर इसका मैं लगाऊं 55%, ये जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप का 55% 524 करोड़, यानी अगर हम देखें तो अपराध 300 करोड़ रुपया रिटेल पब्लिक का डूब रहा है, 300 करोड़ रुपए। आपको लगेगा 5 शेयर 10 शेयर का गेम है, लेकिन भाई अगर सबके जितने पैसे डूब रहे हैं ना, जितने पैसे अभी स्टक हुए हैं, डूबे हैं नहीं डूबे हैं क्या मिलेगा हमें कुछ नहीं पता, लेकिन जिसके पैसे स्टक हुए हैं अभी 300 करोड़ रुपए है टोटली। 300 करोड़ एक छोटा अमाउंट नहीं है मेरे दोस्त, राइट। यहाँ पे हो सकता है आपको कुछ और भी बड़े नाम नजर आ सकते हैं, जैसे कि आप पब्लिक पे क्लिक करेंगे। हाँ, तो ये देखिए राकेश झुंझुनवाला साहब के पास भी शेयर था, वो टाइम पे ही दफा एग्जिट कर दिए। तो यहाँ पे कुल मिला जुला के मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड, कोई एक सिंगल बड़ा बंदा नहीं है। यहाँ पे कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग ने लिया था, वो भी भाग लिया। यहाँ पे ग्लोब कैपिटल ने लिया था, वो भी भाग लिया। IIFL सिक्योरिटीज ने लिया था, वो भी भाग लिया। कोई भी नहीं रहा, जाके झुंझुनवाला ही भाग लिया। अब रहा कौन है, तो सिर्फ एक हम और आप जैसे रिटेल निवेशक, राइट। यहाँ पे FIs का भी थोड़ा सा होल्डिंग है, चलिए यार इनको इतना फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सॉरी FIs नहीं, DIs, मैं FIs की बात कर रहा हूँ भाई, मिस्टेक। FIs की भी थोड़ी सी है, DIs की भी थोड़ी सी है, 3% के राउंड की। और कुल मिला जुला के अगर मैं बात करूँ, लाइफ इंश्योरेंस इंडिया की है थोड़ी सी। तो कुल मिला जुला के मैं यही कहूँगा दोस्त कि जो हो गया अब क्या कर सकते हैं, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। प्रमोटर्स के पास जो शेयर्स पड़े थे उसमें 100% पूरा का पूरा प्लेज था, प्रमोटर्स का जितना भी माल था वो पूरा माल जो है वो प्लेज था। तो अब देखते हैं नए रेशियोज क्या आते हैं, किस रेशियोज में आपको शेयर मिलते हैं, कौन से शेयर मिलते हैं, किस तरह से होता है, रीलिस्टिंग द्वारा होती है या पिरामल ग्रुप का कोई शेयर मिलता है, जो भी होगा आप आगे देखेंगे। फिलहाल अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।